आज कल्पकता, रचनात्मकता और अलग अलग कामों के बारे में उनकी जो गतिशीलता वो हम सबके लिए एक अलग ऊर्जा देती है। हमारी यहाँ की मंत्री श्रीमती राधा सिंह जी, जोरदार अभिनंदन राधा सिंह जी का भी करें। यहाँ की पूर्व सांसद, अभी सांसद है लेकिन पूर्व अभी अभी विधायक भी बन गई, जोरदार अभिनंदन करें नीति पाठक जी का। हमारे दोनों जिला अध्यक्ष देव कुमार सिंह जी, सीधी कहा देव कुमार सिंह जी, जोरदार अभिनंदन करें देव कुमार सिंह जी का। और राम सुमिरन गुप्ता जी, जोरदार अभिनंदन करें राम सुमिरन गुप्ता जी का भी। आप भाग्यशाली हो साहब, दो ही देवताओं के नाम है जिला अध्यक्ष, इतना बढ़िया सिद्ध क्षेत्र, जोरदार तालियां बजा बजा। देव कुमार है कि राम सुमिरन, पूरा दुनिया आज भगवान राम को सुमिरन कर रही है। हम सब सौभाग्यशाली हैं। कमलेश्वर सिंह जी हमारे लोकसभा के प्रभारी, माननीय भाई साहब बहुत वरिष्ठ नेता, आपका भी बंदर अभिनंदन। श्री विश्वामित्र पाठक जी, जोरदार अभिनंदन करें पाठक जी का। और मेरे अभिन्न मित्र और हमारे अपने बहुत बढ़िया नेता कुंवर टेकाम सिंह जी, जोरदार तालियां बजा कुंवर टेकाम सिंह जी का। राम निवास साहजी, विधायक सिंगरौली, जोरदार अभिनंदन साहजी के लिए। शरद कौल, जोरदार अभिनंदन करो शरद जी का। इस अवसर पर श्रीमान कांत देव सिंह जी, हमारे अपने मेरे अभिन्न मित्र, हमारे प्रभारी थे उज्जैन के प्रदेश के उपाध्यक्ष कांत देव सिंह जी, तालियां बजाते रहो, मैं नाम बोलता रहता हूं। के तिवारी जी, लोकसभा संयोजक डॉक्टर संदीप मेहता जी, श्री राजेश पांडे जी, कहां राजेश, जोरदार अभिनंदन राजेश जी का। जिला प्रभारी सीधी, माननीय प्रज्ञा त्रिपाठी जी, जिला प्रभारी प्रज्ञा जी का अभिनंदन है। और श्रीमती मंजू सिंह जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष, पूरा मंच जोरदार तालियां बजा, पूरे मंच का नाम इतने सारे हैं, लेकिन ये सिद्धि में सिद्ध होने का जगह भी है और हमको हमारा मुहूर्त भी हो रहा है। हमारे लिए परमात्मा की कृपा है, आज पूरे देश के अंदर 20 तारीख से नई लोकसभा के लिए नामांकन की नई पहली तारीख आज से प्रारंभ हुई है और 20 से शायद 27 तारीख तक पहले चरण का फॉर्म भरा जाएगा। और ऐसे फॉर्म भरने में आप कभी कल्पना तो करो, चुनाव होता तो दो लोगों के बीच में होता, चार लोगों के बीच में होता, ऐसे सब लोग मानते हैं। पूरे देश में, मध्य प्रदेश में दो दलीय व्यवस्था है और दो दलीय व्यवस्था में हमारी पार्टी के सामने कांग्रेस का कोई ना कोई प्रत्याशी आता है। और कितना जोरदार हमारा शुभारंभ हो रहा है, हमारा प्रत्याशी डंके की चोट भगवान राम का आशीर्वाद लेके अपना नामांकन भरने के लिए पूरे प्रदेश का पहला आदमी बनता है। और कांग्रेस का प्रत्याशी तो नहीं आया, लेकिन कांग्रेस में रह करके कांग्रेस की नीतियों का विरोध करते हुए लालचंद जी गुप्ता हमारे बीच में आए, जोरदार तालियां बजाओ, ये कांग्रेस की हालत हो रही। ऐसी कहावत है कि कूद के पांव पालने में दिखाई देते हैं, अभी से कांग्रेस की यह हालत है। 29 लोकसभा सीट है, लेकिन 29 लोकसभा सीट में अभी कांग्रेस से बड़े नेता कोई चुनाव लड़ने को तैयार नहीं, एक भी नामी गिरामी आदमी कांग्रेस का मैदान में नहीं आ रहा। हम तो कह रहे भैया आओ, आप ही ने तो यहां आपके नेता ने पदयात्रा चालू करी थी। और लोग कह रहे वो पदयात्रा नहीं, कांग्रेस छोड़ो यात्रा थी, जहां जहां घूमे वहां वहां कांग्रेस छोड़ते चले गए लोग, जिस रास्ते से गए नेता आगे आगे भाई साहब पीछे पीछे फुल स्टॉप, पता ही नहीं चल रहा कहां गए किधर से गए, इसलिए उनका छोटे से छोटा रास्ता रखा गया है। लेकिन हमारा अपना राज्य शुरू से भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने से, जनसंघ के जमाने का सबसे खाटी राज्य का कोई है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के। नेता में नेता, नेता कैसा होना चाहिए दुनिया ने देखा, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को गौरवान्वित करने के लिए एक ऐसे असामान्य व्यक्तित्व जिनने बहुत सामान्य जिंदगी से शुरुआत की, अपने जीवन का क्षण क्षण और कण कण देश सेवा के लिए अर्पित करने वाले पंडित
अटल बिहारी वाजपेयी, जिनके जीवन में पांच पांच प्रधानमंत्री वो अपोजिशन के लीडर रहे, कांग्रेस के पांच पांच प्रधानमंत्रियों का उनने समय काल अपने सामने निकाला, लेकिन लेस मात्र भी घबराए नहीं, लेस मात्र भी चिंता नहीं की, जो अपने सिद्धांतों के साथ अटिक चट्टान की तरह आ रही, ऐसे नेता की पार्टी है, हमें इस बात की प्रशंसा करना चाहिए। हम उस पार्टी के लोग हैं जिसमें स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमारा काल के प्रभाव में अतीत में नेतृत्व किया, जोरदार अभिनंदन अटल जी का। और क्या अटल जी और क्या वर्तमान का समय, इस सिद्धपुर में आकर तो वाकई मन हमारा आप सबको नमन करने की इच्छा होती। जब से भाजपा का विजय रथ चालू करा लोकसभा की तरफ, तो सीधी से शुरुआत होती है, पूरे मध्य प्रदेश में विजय ही विजय होती है, ये शुरुआत करने वाली धरती हमारी सीधी है। वनांचल में रहने वाले, नगर में रहने वाले, गांव में रहने वाले, हर तरह हर जगह हर क्षेत्र में, दोपहर में भी इतनी बड़ी संख्या में, और मुझे तो इस बात की प्रसन्नता है कि हमारी पार्टी के अंदर ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता जिसने जीवन में कुछ मांगा ही नहीं और पार्टी ढूंढ ढूंढ करके मौका देती, जोरदार अभिनंदन करें राजेश मिश्रा जी का, कितने अच्छे उद्गार व्यक्ति। इनके पहले रीति पाठक भी हमारे बीच में आए, दीदी आपके कारण से हम रीति रिवाज को मानने वाली पार्टी मानते हैं, आपके नाम पे पूरी पार्टी चलती है, आपका वंदन अभिनंदन। किसी भी गति में रीति जुड़ती है, रीति और प्रगति ये दो व्यवस्था जुड़ती है। रीति रिवाज हमारी परंपराओं को पालन करने के लिए पार्टी को जाना जाता है, और प्रगतिशील हमारी पार्टी है जो अपने बीच विकास के रास्ते के साथ साथ समाज सुधार के अलावा दुनिया में भी हमारी मानवता को स्थापित करने के लिए युगों युगों से जिन सिद्धांतों के कारण से यह देश जाना जाता था, उसी भाव को आगे बढ़ाने के लिए पूरी दुनिया अगर भारत को जानती है तो भारत के दर्शन के कारण जानती है, भारत की मानवता के आधारित नीतियों के कारण जानती है। इसलिए हमारी अच्छाई और सच्चाई के आधार पर दुनिया में हजारों साल से भारत को विश्व गुरु के माने नाम से लोग जानते थे। काल के प्रभाव में कई लोगों ने हम पे आक्रमण किए, कई लोग लूटने आए, कई लोगों ने पता नहीं क्या क्या हमारे साथ व्यवहार किया, लेकिन दुनिया जानती है भारत ने अपनी लाइन नहीं बदली, भारत के लोग नहीं बदले। इसलिए इकबाल ने कोई लाइन लिखी है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, वो जो कुछ बात है अपने इस देश की अच्छाई की, वो कदम कदम पे दिखाई देती है। हजारों साल से भारत की जो पहचान बनी आई, अरे हम तो उस देश के वासी है जहां भगवान राम, भगवान कृष्ण और हमारे ऐसे लमा तमाम ऋषि मुनियों ने अपने जीवन से मानवता को स्थापित करके बताया। इसीलिए एक शब्द माना जाता है कि वसुदेव कुटुंबकम, जिसको वेदों की भाषा में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, हमारी अपनी जो जिंदगी है ये मानवता दुनिया का भला करने के लिए, हमारी जो अच्छाई हम सबको बांट करके खुश रहने वाली संतानों में से उस ऋषि मुनियों की संतानें हैं जिन्होंने दुनिया का सदैव भला किया। लेकिन एक तरफ भला करने वाले लोग और एक तरफ लूटने वाले लोग, एक तरफ अच्छाई बांटने वाले लोग, एक तरफ सच्चाई छिपाने वाले लोग, ये चुनाव उनके बीच का है। एक तरफ वो सारे लोग जो भारत की अच्छाइयों को नकारते हैं, जो हमारी संस्कृति को नकारते हैं, जो भाई से भाई को लड़ना जानते हैं, जिनके लिए कुर्सी ही सब कुछ है, दुनिया भर के लूटने वालों से पेट नहीं भरा, ये उनके बाद वाले भी लूटने में लगे हैं। ये उस बात का चुनाव है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। एक बार जोरदार अभिनंदन करो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिनकी अपने जीवन में खुद की पूंजी केवल एक ही पूंजी है, जर्रे जर्रे से रोम रोम से जिनकी भारत माता की जय की जय जयकार निकलती हो, पूरे देश का भला करना चाहते हो और पूरे देश को दुनिया का नंबर एक देश बनाना चाहते, ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए चुनाव होने वाला है। जोरदार अभिनंदन करें नरेंद्र मोदी जी के लिए।
छूट रहा है हमारे नेता नरेंद्र मोदी के लिए। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी का अपना नेतृत्व है, लगातार दो बार सरकार बनाने के बाद अब तीसरी बार उनके कदम बढ़ रहे हैं और ठोस कदम बढ़ रहे हैं। कदम बढ़ते हुए वो नहीं कह रहे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकसभा में कहते हैं, उनके सामने बोलते हमारा नारा कांग्रेस वाले बोल रहे हैं। अब की बार अब हम नहीं कह रहे, उनके नेता बोल रहे हैं। जब उनको मालूम है तो हमको नहीं मालूम है क्या? हमको तो पहले मालूम, आएगा तो अब की बार थोड़ा संशोधन भी कर लो। इतना बड़ा मन, लेकिन जो बात कहते वो करके दिखाते हैं। हमको मालूम है हमारे यशस्वी नेता ने जो कहा था, वही देश 142 करोड़ की आबादी का, और कितने कठिन काल से निकले, कितनी खराब बीमारी थी कोविड की, कोई कल्पना तो करे। जहां हॉस्पिटल की व्यवस्था पहले नहीं थी, लोगों की जिंदगी में ऐसी बीमारी देखी न सुनी, लेकिन ऐसे कठिन काल में भी बाल बराबर भी किसी को कष्ट नहीं आने दिया, सबका जीवन सुरक्षित किया, ऐसा यशस्वी नेता कहीं मिलेगा क्या? हमको खुशी होगी कि तीसरी बार जब वो सरकार बनाएंगे तो राजेश मिश्रा जी उनके साथ खड़े दिखाई देंगे, हमें इस बात की प्रसन्नता। और आप तो इस क्षेत्र के हो जिधर से नारा आया जय श्री राम का, भगवान का, वनवास का काल भी भगवान ने निर्णय किया, माता जी की आज्ञा, पिताजी की आज्ञा मानते हुए कि मुझे अयोध्या छोड़ना है, तो हमारी तो वो धरती है जिनमें भगवान राम का भी 11.5 साल पता ही नहीं चला कहां गया, हमारे बीच में रहे। बोलो जय श्री राम। और ऐसे पवित्र राम जिनके जीवन में उनके द्वारा किए गए एक एक काम और एक एक रिश्ते को निभाने का दुनिया में कोई उनके बराबर उदाहरण नहीं, ऐसे भगवान श्री राम के ऊपर ये प्रश्न उठाने वाले कांग्रेस के लोग जो कहते थे कि भगवान राम कहां पैदा हुए, जन्म स्थान पर प्रश्न उठाते थे, कितनी प्रकार की बातें करते थे। चलो भाई कोई बात नहीं, आपका पेट भरा जाए, लेकिन देश को अपमानित करने का प्रयास किया, देश के बहुसंख्यक लोगों को नीचा दिखाने का काम किसी ने किया है, ये कांग्रेस के पदाधिकारी, वो बोलने वाला कोई दूसरी नहीं, कांग्रेस के महामंत्री, बड़े बड़े वकील, सारे के सारे लोग, किताबों के गट्ठर झूठ के पुलिंदे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लगाते रहिए, कहां पैदा हुए, क्यों बनना चाहिए मंदिर, नहीं बनना चाहिए, पता नहीं कितनी बातें करी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट न्याय व्यवस्था को धन्यवाद देना चाहूंगा, हमारे दिए गए तर्कों के आधार पर माननीय न्यायालय ने फैसला कर दिया। जब माननीय न्यायालय फैसला कर दे तब तो मान लो भाई, लेकिन ये मानने वाले नहीं। फैसला करने के बाद भी इतने दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, जब शिलान्यास हुआ तब भी प्रश्न उठा है। मैं तो इस बात के लिए हमारे मुस्लिम समाज और हिंदू समाज को धन्यवाद देना चाहूंगा, इनने राम जी का नाम लेकर के हर बार दंगे कराने का प्रयास किया और कितना डराया, राम जी के आधार पर अगर फैसला हो गया तो देश में पता नहीं क्या हो जाएगा। जोरदार तालियां बजा, ना शिलान्यास के समय तकलीफ है, ना हमारे लोकार्पण के समय तकलीफ है, जोरदार जय जयकारा करो, जय जय श्री राम। हमारी सरकार भी भगवान राम के मंदिर को लेके आपके हमारे सारे मंत्रियों के साथ अयोध्या दर्शन करने गई, क्यों नहीं जाएगी, जरूर जाएगी। हम अगर अपने राम जी के प्रति सत्ता भाव प्रकट नहीं करेंगे तो कोई बाहर से आगे प्रकट करेगा क्या? हमारे देश में जय श्री राम का नारा नहीं लगा सकते, हमारे देवी देवता का सम्मान नहीं कर सकते, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कांग्रेस ने भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण भी ठुकराया और उनको भूल गए, घमंड में चूरे, अहंकार के पहाड़ पर बैठे हुए। जनता उनको बताएगी, जनता तय कर चुकी है, आपने निमंत्रण ठुकराया,
पाएगी कि ये जनता भगवान राम के साथ, ये एहसास हमको करने की जरूरत है। और मैं तो मध्यप्रदेश वालों का वैसे ही धन्यवाद करूंगा, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ की प्रदेश की जनता का मूड क्या है आपने बता दिया सबने। जब पिछले विधानसभा चुनाव हुए तभी जिस प्रदेश का मूड क्या है, और प्रदेश तो क्या हमारी पूरी पट्टी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हम तो सोच रहे थे 120-122 में आएंगे, लेकिन मोदी जी पे कितना भरोसा है जनता का, भाजपा पे कितना भरोसा है, 163 की संख्या दे करके आपने जो एहसान किया भाजपा कभी नहीं भूल सकती। और नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, हमने उस समय कहा था, एक नारा दिया था कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी के मन में, इतना चला नारा कैसे लोगों के गले उतरा। और वही कारण है जब से हमारी सरकार बनी है, लगभग 100 दिन आज हो रहे हैं, एक के बाद एक जो जो फैसले करते गए आप भी सहमत हो गए। अरे भाई इतनी छोटी छोटी बातें, कैसे कैसे लोग हैं, क्या क्या करते थे भगवान जाने, पता ही नहीं चलता। आपके कांग्रेस के ही बड़े नेता, बहुत बड़े नेता हो गए भैया, मान लिया, एक नहीं दो तो हेलीकॉप्टर घर में, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर जब भी आएंगे तो हेलीकॉप्टर घर में ही उतारेंगे, अपने घर के अंदर हेलीकॉप्टर उतार कर, और प्रदेश के मुख्यमंत्री तक ले गए। लेकिन आप अंदाज लगा लो, हमारी सरकार ने फैसला किया हेलीकॉप्टर तो होगा लेकिन हेलीकॉप्टर का अधिकार गरीब का होगा। कोई भी गरीब अपने हॉस्पिटल में अगर कोई बड़े इलाज के लिए जाना पड़े, एयर एम्बुलेंस के माध्यम हमारी सरकार उसको अच्छी से अच्छी जगह पहुंचाएगी, ये हमारी सरकार ने निर्णय किया। सरकार के अंदर सुख सुविधा मिलती है तो क्या हमारे लिए, गरीब आदमी का, बीमार आदमी का अधिकार नहीं है, सबका अधिकार। इसलिए एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की, ये सीधी सिंगरौली के अंदर हवाई पट्टी तो पुरानी है, मैं उस दिन आया था, आपने कहा कि रेल से बस से जाने में टाइम लगता, हवाई सुविधा दे दो, हमने निर्णय कर लिया अपने अंतर्राज्यीय हवाई अड्डे का उपयोग करने के लिए, अपने ही विमान चालू कर रहे हैं 2 महीने के अंदर। अब आपको जाने के लिए भी 1 घंटे से भी कम समय भोपाल का लगेगा, आधे घंटे में जबलपुर पहुंचोगे। ये जो अपने निर्णय है ये हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। गरीब आदमी बीमार होता है एम्बुलेंस आ जाता है और एम्बुलेंस के आधार पर उसका इलाज चालू होता है। वही कारण से व्यक्ति का इलाज नहीं फला, भगवान को कुछ और मंजूर है, शरीर छूट गया, अब वो गरीब आदमी अपनी मट्टी को ले जाना है, बाड़ी को ले जाना है, काय से ले जाए, बड़ा शर्म आता है। कोई गरीब आदमी हाथ में ले जा रहा है, कोई साइकिल पे ले जा रहा है, कोई ऑटो रिक्शा में ले जाता है, आपने हमने वो दृश्य देखा, ये मानवता को शर्मसार करने वाला दृश्य, हमने कहा हमारी सरकार तो बर्दाश्त नहीं करेगी। हमने निर्णय किया है अब ऐसी घटना में सरकार खुद घर छोड़ के आएगी, सारा पैसा कलेक्टर के माध्यम से हॉस्पिटल को दिया जाएगा। ये हमारे अपने अंदर के कष्ट, हमारी कोई कमियां है तो हम उसको दूर भी करेंगे। और एक भी दो ने लगभग ऐसे हमने 187 निर्णय किए, बहुत लंबी फेरिस्त हो जाएगी, लंबी सारी बात। यह अयोध्या के आधार के बाद अपना चित्रकूट का धाम या प्राधिकरण बनाने की घोषणा की है, हमारे इसी स्थान पर आप बताओ नरेंद्र मोदी नहीं होते तो आपको टनल मिलती क्या यहाँ अपने सीधी से रीवा जाने की, जोरदार ताली बजाओ। इसलिए मोदी जी का चुनाव, राज्य को आपने जिता दिया, रेल की सुविधा अगले में तक तो रही, कितने जल्दी रही, कितना टाइम लग रहा है, जोरदार ताली बजा, ज्यादा दिन नहीं लगने वाले। अश्विनी वैष्णव जी ने कहा है ये जो काम चल रहा वो तो चले गई, इसके अलावा भी सड़कें बहुत सारी हो गई, हवाई यात्रा की सुविधा भी मिल रही, और कोई नए रेल के रास्ते भी प्रस्तावित करोगे तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में पैसे की कमी नहीं है, वो सारी भी सुविधा हमको मिलने वाली है हमारी सरकार में आने वाले समय में। मैं आज के इस अवसर पर, क्योंकि आज तो नामांकन भरने का मामला, हमारी अपनी सरकार ने एक एक एजेंडा
40,000 लोगों की हत्या हुई जम्मू कश्मीर में। एक गलती करी जवाहरलाल नेहरू ने, देश के अंदर 600 रियासतें मिली थी, लेकिन रियासत मिलने में अपनी दोस्ती के आधार पर, शेख अब्दुल्ला से उनकी दोस्ती थी, उन्होंने कहा यह देश आजाद हो गया, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, तुम भी प्रधानमंत्री बनो। जबरदस्ती से धारा 370 लगाकर बहुत सारे कारण बना दिए। मुझे इस बात का दुख है कि वो एक गलत निर्णय जिसमें उस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने विरोध किया था, भारत सरकार के मंत्री होने के बावजूद भी इस्तीफा दिया था और उन्होंने कहा यह बहुत गलत निर्णय है, इस निर्णय को बदलो और अगर हम नहीं बदलोगे तो मैं जाकर के इस निर्णय का विरोध करूंगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता, हमारी पार्टी वो पार्टी है जिसका पहला अध्यक्ष भी देश विरोधी नीतियों के लिए अपने प्राण की बाजी लगा करके देश को आगाह करता है। पहला सत्याग्रह ऐसा हुआ जिसमें जिनने नेतृत्व किया उनकी खुद की जान गई, लेकिन पूरे देश के ऊपर चेतना आई। दुर्भाग्य से कांग्रेस ने बदला नहीं, लगातार उस नीति को पाले रखा जिसके कारण बंबई, दिल्ली, जहां जहां कहां कहां आतंकवादी हमले करते थे। अब आज एक भी हमले हो रहे क्या? 40,000 लोगों की हत्या जम्मू कश्मीर में हुई। आज ये मोदी जी के नेतृत्व में जो माहौल बना है, जोरदार ताली बजा, मोदी जी ने कहा कि धारा 370 भी बदलेंगे और कांग्रेस के उस काले निर्णय को बदल के दुनिया का लोकतंत्र जो चाहता वो करके दिखा देता है। ये निर्णय जो किया है माननीय पहला के प्रसाद उस लोकसभा में थे भी, जोरदार तालियां बजाओ हमारे उस लोकसभा के लिए। अब आज आने वाले समय आप अंदाज लगा लो, ये बगल के देश इजराइल ज्यादा दूर नहीं है अपनी सीमा से, रूस आपकी सीमा से लगा हुआ है, एक तरफ इस प्रकार के युद्ध चल रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे देश में मजबूत नेता की जरूरत नहीं होगी तो आने वाला कल क्या होगा? जब जब हमारे देश के आसपास के खतरे नजरअंदाज किए गए तब तब देश खतरे में पड़ा है। मैं आपसे आह्वान करना चाहूंगा, आने वाले समय में समूची मानवता के लिए, देश की एकता अखंडता के लिए, सभी प्रकार की भावना के आधार पर अब की बार मोदी सरकार, अब की बार फिर एक बार आवाज कमा रही, फिर एक बार जरा जोर से बोलो, खड़े हो जाओ, मुट्ठी बांध करके बोलो, तब मालूम पड़ेगा कि हाँ भाजपा के लोगों ने तय कर लिया है, कोई एक आदमी नहीं बचना चाहिए। हमारे मोदी जी का नेतृत्व के लिए अब की बार आएंगे तो आभार प्रदर्शन करने ही आएंगे और पुराना रिकॉर्ड तोड़ेंगे। मैं आज आपके साथ, आप और हम सब मिलकर के संकल्प करें कि आने वाली अपनी मतदान की तारीख में अप्रैल की 20 तारीख 19 तारीख सारे के सारे लोग, लेकिन एक ध्यान रख लेना, रामनवमी के चक्कर में कमजोर मत पड़ जाना। हम सब तय करें इस बार भगवान राम का मंदिर बना है, आने वाले समय में राम राज्य को स्थापित कर